नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड की अहम खबरों का, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तराखंड की सियासत में जारी उठापटक के बीच नए मुख्यमंत्री का चयन हो गया है। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री होंगे। देहरादून में विधायक दल की बैठक में तीरथ सिंह रावत के नाम पर मुख्यमंत्री की मोहर लगाई गई है। आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत गढ़वाल से सांसद हैं, साथ ही वह भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कल त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफा देने के बाद कई नामों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन विधायक दल की बैठक में तीरथ सिंह रावत के नाम पर मोहर लगाई गई है। बताया जा रहा है कि तीरथ सिंह रावत को आज मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। वहीं दोपहर 4 बजे तीरथ सिंह रावत राजभवन में सीएम पद की शपथ लेंगे। हल्द्वानी के बेस हॉस्पिटल से डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बीते दिन पिथौरागढ़ की मुनस्यारी की रहने वाली 52 साल की महिला के पेड़ से गिरने से हाथ और पैर में फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद उसे देर रात शोभन सिंह जीना हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं देर रात करीब 3 बजे महिला को अस्पताल से भर्ती करने के बाद भी महिला को अभी तक हड्डी से संबंधित कोई भी इलाज नहीं दिया गया है, बल्कि डॉक्टरों की ओर से ग्लूकोज की बोतल महिला पर चढ़ा दी गई है। इस दौरान डॉक्टरों ने महिला के परिजन से महिला को कहीं और ले जाने की बात कही, जिसके बाद परिजन महिला को मजबूर होकर सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में रेफर करने की बात कहते नजर आए। ये मेरी सासू माँ है, इनका एक्सीडेंट कल सुबह हो गया था मॉर्निंग में। इनको रोड तक पहुँचते 2-3 घंटे लग गए थे। वहाँ से गौचर रेफर किया गया, गौचर से पिथौरागढ़ रेफर किया गया, पिथौरागढ़ वाले ने हल्द्वानी रेफर कर दिया। वहाँ पे पिथौरागढ़ में एक टिटनेस का टीका तक नहीं लगा। पिथौरागढ़ का जो जिला अस्पताल है वह रेफर केंद्र बन चुका है। अब यहाँ पे रात्रि 3 बजे जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे भी जो रात्रि डॉक्टर साहब थे उन्होंने काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद इस महिला यहाँ पर कोई भी सुविधा इनको नहीं मिल पाई। मेरे द्वारा डॉक्टर को पूछा गया कि भाई साहब इनका क्या होगा, शुक्रवार से पहले इनका कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता है। जांच में 2-2.5 बजे बाद इनकी खून जांचें हुई, एक्सरे भी 11-12 बजे के आसपास हुआ। जब हम आयुष्मान कार्ड लेके यहाँ पर आते हैं, ये कहते हैं कि पहले अपने जेब से पैसा लगाओ, उसके बाद आयुष्मान कार्ड का फिर इलाज होगा। आयुष्मान कार्ड की वजह से तुम्हारा डिले हो रहा है ये प्रोग्राम, जो भी ये ट्रीटमेंट है। एक्सीडेंट केस में जब यह तत्काल हमें कोई सेवा नहीं मिल पा रही है तो ये आयुष्मान कार्ड किस काम का। डॉक्टर खोलिया जी करके कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनका कहना है कि शुक्रवार से पहले हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, शुक्रवार को ऑपरेशन होगा। हमारा कारण पूछा गया क्यों, मतलब विलंब है, इतना देर क्यों है, वह तो दर्द से कहार रही है। तो उनका कहना है कि आयुष्मान कार्ड में जो भी, मतलब ये स्टाफ का कहना है, आयुष्मान कार्ड में जो भी दवाइयाँ आती है, जो भी ट्रीटमेंट होता है, वो लेट होता है, 15 से 20 दिन लग जाते हैं। पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में 2 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन को 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि गंगोली हाट की पव्वाधार संघर्ष समिति सड़क बनाने को लेकर आंदोलन कर रही थी। इस दौरान धरना स्थल पर पहुंचे स्थानीय विधायक मीना गंगोला ने आंदोलनकारियों से बात कर उन्हें 3 महीने के अंदर मांग पूरी करने का लिखित आश्वासन दिया है। वहीं अब ग्रामीणों ने 18 दिनों के बाद अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। बता देता हूँ शासन प्रशासन को, उन्होंने यहाँ पे आकर के 3 माह का समय देकर धरना को स्थगित करवाया। और पिछले 20 साल से हम इस मांग को कर रहे थे, आज 3 माह का समय हमने स्थगित के लिए दिया है। अगर 3 माह के भीतर ये नहीं होगा, ये मांगें पूरी नहीं होंगी, तो मैं फिर पुनः जनता आंदोलन करने के लिए बाध्य हूँ। तो आज 18 दिन से यहाँ पे नैनी जागेश्वर पौवाधार रोड के उपलक्ष में धरना प्रदर्शन स्थानीय जनता का चल रहा था। इनकी मांग एक जायज मांग है, और जो यहाँ पे इंटर कॉलेज है पौवाधार में, और यहाँ पे बहुत पहले भी इन्होंने एक विज्ञापन मुझे भी दिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी क्षेत्रीय जनता बीच में मिली थी 1 साल पहले। और इनकी मांग जायज है, हमारी बच्चियों की, बेटियों की, मैं कहूँगी कि बेटियों की पढ़ाई, साइंस की पढ़ाई छूट जाती थी, और ये युग जो है विज्ञान का युग है, और इस युग में अगर जो बच्चियाँ साइंस वर्ग से छूट जाएंगी तो हमारे लिए, मैं महिला हूँ, महिला विधायक हूँ, तो मैं अपनी बेटियों के लिए कहना चाहूँगी कि जो मैं 4 साल से बिल्कुल प्रयासरत थी इनकी दो सूत्री मांगों के लिए, और इनका प्रोपोजल शासन स्तर पर पहुंच चुका है। खटीमा में मौसम के तापमान में बढ़ोतरी होने से क्षेत्र में वनाग्नि की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। आपको बता दें कि वन रेंज के जंगलों में कई स्थानों पर आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। बावजूद इसके वन महकमा वनाग्नि को लेकर संजीदा नहीं दिख रहा है।
इस दौरान वन रेंज के रेंजर राजेंद्र मंडराल से एक आदमी की घटनाओं के बारे में पूछा तो रेंजर महोदय ने वन रेंज के कई स्थानों पर अग्नि क्रूज स्टेशन होने की बात कही। साथ ही उन्होंने वनाग्नि को रोकने के लिए वन महकमे के संजीदा होने की बात कही। वनचौकी पे क्रूज स्टेशन है, एक जो है घोसीकुआ वनचौकी पे उसमें क्रूज स्टेशन है हमारा, एक तरकपुर में अनुभाग में एक क्रूज स्टेशन है, एक बनौसा में है, एक नगरा में है। चारों तरफ हमारा जो है सारा स्टाफ हमारा जो है आजकल फोकस है अवैध पातन, अवैध उससे वन जीव जंतु उनकी रक्षा के साथ साथ वन अग्नि से भी कोविड को बचाने का जो हर तरह से प्रयास किया जा रहा है। उच्च अधिकारियों के निर्देशों का भी अनुपालन किया जा रहा है। पिथौरागढ़ में पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगदीश कुमार ने सरकारी कार्यालयों में लंबे समय से तैनात कर्मचारियों के तबादले की मांग की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात कर्मचारी राजकीय कार्य में रुचि नहीं ले रहे हैं, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि विभागों में कई कर्मचारी 20 से 25 सालों से एक ही जगह पर कार्यरत हैं। साथ ही उन्होंने कर्मचारियों के तबादला न करने को स्थानांतरण नियमावली का उल्लंघन बताया है। जिला मुख्यालय में राजकीय विभागों में कई लिपिक लंबे समय से कार्यरत हैं। लगभग एक ही विभाग में 25-30 सालों से यहाँ पे वो कार्यरत हैं। हमारी मांग है सरकार से कि जो 2017 का जो स्थानांतरण एक्ट है उस एक्ट के तहत इन सबका ट्रांसफर हो, क्योंकि एक ही कुर्सी में लंबे समय से एक ही कुर्सी में काम करने की वजह से उनकी जो इच्छा होती है काम करने की मर जाती है और उससे जो है भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। हम चाहते हैं कि जो नियम है वो नियमों के तहत जो है इनका ट्रांसफर हो। और इसी के साथ उत्तराखंड स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।